खो नाम खो का तमा नाम गाए सौगंध सो बार इसको न खाए गधे समान कौवा कर्म के कुलीन और पीवे तमाखू जो काल के आधीन चिदानंद चित्त में चिस्म दर्जहूर अधम पापी अधम पाप पापी भय सवाना सूर नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस नस नाद नाड़ी जब दम ही नसमास पित बाई खांसी निवासी निवास कफ दल कलेजा लिया है ग्रास काला तमाखू और गोरा पिवाक दस बीस लंगर जहां बैठे गुटाक बाजे ने और गुड़गुड़ और हुके हजूम कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठे अड़के एक बैठे गादूर। इन ओका पीणियां का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। ओका भर के बैठ जाएंगे एक तो उड़ी बैठ जाएगा लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर और गड़ोड़ 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 कति खूब खींच कर उत्तमा खूब प्रयोग करते हैं और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावे सब पता है आपको। पता नहीं किक के बातें शुरू कर देते हैं राजनीति की बिरा ना किसी पड़ोसी की किसी की हुंडी अच्छी है इस तरह की बातें वहाँ उक्का पी के पीते पीते हुए बातें करते हैं क्या कहते हैं काला तमाखू गोरा पिवाक दस बीस लंगर जा बैठे गुटाक दस बीस कट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के बाजे ने और गुड़गुड़ और हुके हजूम कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम बाकी ही पगड़ी और बाकी ही न डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै अटक गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठे अड़के एक बैठे गादूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूँ तो हे शब्द मान मेरा मैं कहता हूँ तो हे यही मूल मंत्र तमाखू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाखू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाखू को बीज के आपने फसल उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाखू बो रखा है अब क्या करूं नाम में लेऊंगा अवश्य मैं अब क्या करूं उसमें उसको फूक उसको उखाड़ दे अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया मैं लूखी रोटी खा लूंगा अपना कोई और धंधा कर लूंगा इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है वो एक के दो बात में समझ जाता है और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की पत्थर का जल में क्या भीजे चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम भी ना सीजे। वह तो फिर से इंसान है जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो उसके अंदर पानी का असर नहीं होता बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे चिंगारी पाटेंगी उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं जो पत्थर जैसे प्राणी हैं उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होया करता वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम भी ना सीजे चंदन का पेड़ आसपास के नीम का पेड़ भी हो उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के लेकिन बांस के पेड़ के बांस का जो बांस भी होता है जंगल में ये लंबे लंबे बंबू कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है उसका लाभ भी मिलता है।
अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाखू नहीं पीनी, क्या बताते हैं और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, सत्र जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम, सोनारी जारी करे सुरापान सो बार, एक चिलम ओका भरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो।